वेलकम टू माई चैनल फूडी हेवन। और आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंगो पल्प लिया है, शक्कर ली है, आधा लीटर दूध लिया है और कॉर्नफ्लोर लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आधा लीटर दूध है उसमें थोड़ा सा दूध निकाल के कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के लिए, बाकी का जो दूध है उसको हम कढ़ाई में बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब उसमें एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम उसमें जो शक्कर है वो डाल देंगे और उसको अच्छे से चलाते रहेंगे और उसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब शक्कर हमारी अच्छी तरह से मिल जाएगी तो उसके बाद जो दूध हमने अलग से निकाला था कॉर्नफ्लोर के लिए, तो उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के एक फाइन पेस्ट बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। आप थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर लेते रहिए और उसको मिक्स करते रहिए। और शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दूध में। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं और आपके जो मैंगोज़ हैं वो मीठे नहीं हैं, कम मीठे हैं, तो आप शक्कर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके मैंगोज़ ज़्यादा मीठे हैं तो आप शक्कर कम रखिएगा। और यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया है। अच्छे से आपको एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे मेरा कॉर्नफ्लोर का पेस्ट रेडी हो गया है। और जैसे कि मेरा बाउल छोटा है, अभी मैं इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसमें मैंगो प्योरी मिक्स करना है और इस बाउल में नहीं मिक्स हो पाएगी, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया उसको एक बड़े बाउल में। अब मैं थोड़ी थोड़ी प्योरी डाल के इसको मिक्स करती जा रही हूँ। आप 3 मैंगो ले सकते हैं, उसको आप मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसका मैंगो प्योरी बना के आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी प्योरी है मैं इसको स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, एक साथ पूरा नहीं डाल रही हूँ कि लम्ब्स हो सकते हैं उसमें। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अच्छे से मैंने उसको फेट के जितनी भी प्योरी है उसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल भी इसमें लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, तो आप अच्छे से उसको मिक्स करिएगा। और यहाँ पे ये रेडी हो गया है पेस्ट। और अब हम इसे, जो हमारा मिल्क है जो हमने उसमें शक्कर डाल के उसको बॉईल होने के लिए रखा था, अब उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम उसको मिक्स करते रहेंगे। आप उसको कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहिए वरना उसमें लम्ब्स पड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हाथ से जो पेस्ट है प्योरी का और कॉर्नफ्लोर का उसको डाल रही हूँ, दूसरे हाथ से उसको चलाती जा रही हूँ। आपको चलाते रहना है, इसमें आपकी हाथों की अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो जब तक ये थिक नहीं हो जाता आपको इसको चलाते। और यहाँ पे मैंने एक पिंच, मतलब एक चुटकी मैंने नमक डाला है, तो आप एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा उसमें और फिर उसको पकाते रहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो थिक हो गया है काफ़ी, और अभी इसको मैं थोड़ा और थिक करूँगी। यहाँ पे वो अच्छा थिक हो गया है, लेकिन कंटिन्यू आप स्पून को चलाते रहिए, नहीं तो वो नीचे से जल भी सकता है। यहाँ पे मैंने उसको फ्लेम पे से हटा के रख दिया है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। एटलीस्ट 5 to 6 मिनट आपको उसको फ्लेम से हटा के आप प्लेटफॉर्म पे उसको ऐसे ही रख दीजिए जिससे वो ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद देखिए ये और थिक हो गया है। और अब इसमें आपने आधा लेमन जूस डाल देना है। यहाँ पे कुछ लेमन के सीड गिर गए थे मुझसे, और आप लोग के साथ भी होता होगा।
तो यहाँ पे मैंने फिर अलग से स्पून लेके उनको निकाल दिया है। और अभी मैंने इसको दोबारा से, जब ये ठंडा हो जाए आप इसमें लेमन मिला लें, तो इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद जो भी बर्तन में आपको आइसक्रीम को जमाना है, या अगर आपके पास कोई मोल्ड है या कुछ भी है, तो आप उसको ग्रीस कर लीजिए पहले। उससे क्या, जब आप डीमोल्ड करोगे आइसक्रीम को तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर, घी या जो ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो थोड़ा सा लगा लीजिए। और इस तरह से घुमाते हुए आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। रखने से सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सेट हो गया है। और अभी इसको आप 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। और उसके बाद ये मैंने डीमोल्ड कर दिया है, और ये कुछ बाद के पिक्चर्स हैं। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।